चाई, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट पढ़ा दिया था और प्लास्टिक क्या होता है वो भी कंप्लीट पढ़ा दिया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी प्लास्टिक की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको क्या बनाती है, एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस बनाती है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लास्टिक और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो कल हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिक की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हम लोग के लिए उसको क्या बनाती है, बहुत डिजायरेबल बना देती हैं। यानी मैक्सिमम जो हमारी चीज़ें होती हैं वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक या प्लास्टिक के किसी मटेरियल की बनी होती है या उसी का कोई डेरिवेटिव फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं अदर हमारे मटेरियल्स में। बट जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या कर सकता हो, डिकम्पोज कर सकता हो, ठीक, जिनको दोबारा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकता हो। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकता, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो प्लास्टिक भी हमारा कुछ इसी तरीके का मटेरियल है, बिकॉज प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल। प्लास्टिक क्या, एक सिंथेटिक मटेरियल है जो लैब्स में और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको पता होगा जितने भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, या जो भी लैब्स या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है सिंथेटिक मटेरियल, वो क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं, ठीक, वो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और हार्मफुल है तो किस तरीके से उसके हार्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, तो अपने आसपास अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल आपको क्या दिखाई देता है, प्लास्टिक के दिखाई देता है। फ्रॉम योर मॉर्निंग टू योर नाइट, यानी सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो किसका बनाता है, प्लास्टिक का बनाता है। बट प्लास्टिक हमारा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। तो अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, एक अदर मटेरियल भी होता है जो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इन दो वर्ड से आप शायद फैमिलियर होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं। ठीक, तो किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सटेंस और मटेरियल, या सब्सटेंस बोल दिया, मटेरियल कुछ भी आप। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और एक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। चलिए देखते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या कर सकता हो, डिकम्पोज कर सकता हो, ठीक, जिनको हार्मलेस और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। एंड दोज सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंटू हार्मलेस एंड सिंपलर सब्सटेंसेज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कन्वर्ट कर सकता है हार्मलेस और सिंपलर सब्सटेंसेज में, उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जिसको नहीं कर सकता नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो चलिए यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं किसका डिफिनेशन लिखूंगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। द सब्सटेंस which get decomposed to harmless substance through natural process such as bacterial action over a period is called biodegradable substance। तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर सकते हो, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या कर सकता हो, डिकम्पोज कर सकता हो, या वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हार्मलेस सब्सटेंस में थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मतलब किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि बैक्टीरियल एक्शन से या माइक्रोबियल एक्शन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो आपके किचन का वेस्ट होता है, ठीक,
सारे वेस्ट नहीं जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। तो जो आपका किचन का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ठीक, वो भी कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। फिर आपका जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, वो भी कैसा है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, लेफ्ट ओवर फूड हो गया ठीक। इसके बाद से आपका पेपर भी कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। कॉटन का कोई क्लॉथ है तो वो भी कैसा होगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं ठीक। ड्राई लीव्स एसेट्रा, यानी जितने भी आप देख रहे हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता हो, डिकम्पोज कर सकता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की डिफिनेशन लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं, द सब्सटेंस विच डू नॉट डिकम्पोज टू हार्मलेस सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और बैक्टीरिया over a period of time are called non-biodegradable substance। चल, तो non-biodegradable substance क्या होता है, वो substance जो किसी भी मीन से, किसी भी मेथड से डिकम्पोज नहीं होते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ का एक्शन हो, एयर वाटर माइक्रोबियल एक्शन या कुछ भी हो, उससे वो डिकम्पोज नहीं होता है, सिंपलर सब्सटेंस यानी हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं होता है, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स, यानी जो प्लास्टिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो सिंथेटिक प्लास्टिक, वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। इसके अलावा जो आपका एल्यूमिनियम होता है, वो भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। आपके कुछ मेटल्स के कैंस जो होते हैं, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। फिर आपका ग्लास भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ठीक। और क्या, ये सारे एक्सेट्रा, यानी ये जितने भी सब्सटेंस थे वो क्या थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस थे। तो जो आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो तो ईजिली क्या हो सकते हैं, एयर वाटर सॉइल या फिर माइक्रोबियल एक्शन के वजह से क्या हो सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेज में, हार्मलेस सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं, इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, और भी बहुत सारे पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो जरूरी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनका जो वेस्ट होता है ठीक, उसको हम सही तरीके से क्या करें, उसको डिस्पोज करें, जिससे कोई भी सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन ना हो। तो इसके बाद हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सिंथेटिक आपके जो फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक मटेरियल होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सिंथेटिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स, तो जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, चाहे वो आपके सिंथेटिक फाइबर हो गए या फिर प्लास्टिक्स हो गए, आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे कॉज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पॉल्यूशन कॉज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पॉल्यूशन है जो सिंथेटिक फाइबर्स या प्लास्टिक या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं उनकी वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं रब कर देता हूँ उसको। चलिए, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, जो किसके वजह से कॉज होते हैं, हमारे सिंथेटिक प्लास्टिक के वजह से, सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से, या जो भी सिंथेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहला जो पॉल्यूशन कॉज होता है वो कौन सा है, सॉइल पॉल्यूशन ठीक। इसके बाद से और कौन सा प्रॉब्लम कॉज होता है, तो ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवेज और सीवर लाइंस, यानी जो भी हमारा ड्रेन्स और सीवेज का सिस्टम होता है, सीवियर लाइंस होती है, उसका ब्लॉकेज हो जाता है इन सिंथेटिक मटेरियल्स की वजह से। और क्या होता है, डेथ ऑफ
set of animals who happen to eat, happen to chew these eggs along with the food wrapped therein. और क्या कॉज होता है, कौन सा रिड्यूसेस द परकुलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल. तो मैंने अभी बात की थी कि जो हमारे सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स है, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज होती है. तो सबसे पहला उसमें था सॉइल पॉल्यूशन था, आप एयर पॉल्यूशन भी लिख सकते थे यहाँ पे, एयर पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक. वाटर पॉल्यूशन भी होता है, तो वाटर पॉल्यूशन भी लिख सकते हैं. तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया. और क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवियर लाइंस होती है. जो आपकी ड्रेन्स होती है उसमें कई बार क्या होता है, प्लास्टिक के बैग्स जो होते हैं जाके क्या करते हैं, पाइप्स को चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो रुक जाता है और क्या होती है, ब्लॉकेज हो जाती है. तो ड्रेन्स और सीवियर लाइंस की क्या होती है, ब्लॉकेज होती है. कई बार यही सिंथेटिक प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल जो होता है, आपके घर के बाहर जो आप खाना या किचन का वेस्ट फेंकते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ये प्लास्टिक या सिंथेटिक का मटेरियल. तो कई बार क्या होता है, बाहर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं, और कई बार खाने के साथ साथ ये जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं या प्लास्टिक की कोई पॉलिथीन बैग है, वो क्या करता है, उनके बॉडी के अंदर चला जाता है और वो लास्ट में क्या करता है, उनकी डेथ कॉज कर देता है. डेथ ऑफ एनिमल्स हु हैपन टू च्यू दिस बैग्स अलॉन्ग विद द फूड रैप्ड देयर इन. तो कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग पन्नी में क्या करते हैं, खाने वगैरह जो घर पे बचते हैं उसको रख के फेंक देते हैं. तो कई बार जो बाहर जो सड़क पे जानवर घूम रहे होते हैं वो उस खाने को खाने के लिए उस पन्नी के साथ ही उसको क्या करते हैं, च्यू कर जाते हैं, और ये सिंथेटिक प्लास्टिक या पॉलिथीन बैग उनके स्टमक में जाके बहुत सीवियर पेन कॉज करता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है. और क्या करता है हमारा जो सिंथेटिक मटेरियल, इट रिड्यूसेस द परकुलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल. जो आपका प्लास्टिक का बैग है, आपको पता होगा कि जब सॉइल में आप प्लास्टिक का बैग कहीं फेंक देते हैं तो वो एज इट इज़ कई सालों तक वहाँ पे वैसे के वैसा ही क्या होता है, पड़ा रहता है. तो आप सोचिए, अगर बारिश का पानी यहाँ पे गिरता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या था, ग्राउंड था, तो यहाँ से पानी क्या कर सकता है, इजिली नीचे ग्राउंड वाटर तक क्या कर सकता है, पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ से पानी क्या कर रहा है, परकुलेट कर रहा है, यहाँ पे पोर्स थे उसके हेल्प से वो नीचे चला जा रहा है. बट जहाँ पे प्लास्टिक पैक होगा वहाँ पे पानी क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा और नीचे वो परकुलेट नहीं होगा. इसीलिए जो परकुलेशन रेट है हमारे वाटर का, उसको क्या करता है, प्लास्टिक बैग या सिंथेटिक मटेरियल क्या करता है, रिड्यूस कर देता है. तो ये हमारे कुछ क्या थे, पॉल्यूशन थे या कुछ हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे. एयर पॉल्यूशन की बात करें तो आपको पता है, जब सिंथेटिक प्लास्टिक या कोई भी मटेरियल जब जलाते हैं तो उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेज निकलती है, जिससे क्या हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है. वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमको पता है कि जो हमारे प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल, पानी में फ्लोट करते हैं, वो भी पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, इन सॉल्युबल होते हैं. तो कई बार जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर भी क्या करते हैं, एंटर कर जाता है, और इसके वजह से क्या हो सकती है, उनकी भी डेथ हो सकती है. अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि सिंथेटिक मटेरियल या प्लास्टिक हमारे लिए यूज़फुल भी है और कैसा है, हमारे लिए डिसयूज़फुल भी, हमारे लिए क्या हार्मफुल भी है. तो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग प्लास्टिक यूज़ भी कर ले यूज़फुली, उसको यूज़ भी कर ले और उसका डिस्पोजल भी क्या करें, सही तरीके से करें, जिससे हार्म क्या हो, कम हो, हम जो हम लोगों को पहुंच रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को जो पहुंच रहा है, वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए. तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में, व्हाट आर द वेज फ्रॉम विच वी कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक से होने वाले पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डैमेज को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू मिनिमाइज द डैमेज टू एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक्स और सिंथेटिक प्रॉब्लम. तो कैसे हम लोग मिनिमाइज करने वाले हैं, वेज टू मिनिमाइज एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स बाय प्लास्टिक्स. प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल कह लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या हमारा एक सिंथेटिक मटेरियल. तो किस तरीके से, क्या क्या वेज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं,
प्लास्टिक से होने वाले, ठीक। तो सबसे पहला जो वे है, अवॉइड यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी सबसे पहला वे है कि अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स और प्लास्टिक मटेरियल। यानी हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें, या कम करने का मतलब है कि मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि यूज़ ना करें, थोड़ा सा कम कर दें, जितना ज़रूरी हो उतना ही करें, या जब ज़रूरत हो उसी टाइम पे करें। अगर उसका अल्टरनेटिव कुछ हमारे पास है जैसे जूट बैग, पेपर बैग, तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला भी है जो हमारा, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स और प्लास्टिक मटेरियल। अगर ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगला मेथड क्या है, यूज शॉपिंग बैग्स मेड अप ऑफ जूट कॉटन इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। Use alternatives, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, use alternatives like paper bag, cotton bag or jute bag etc. यानी प्लास्टिक के मटेरियल या प्लास्टिक की पॉलीथीन या कोई सा भी पॉली बैग यूज़ करने की जगह उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढिए जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप पेपर बैग का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन के बैग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमारा जो अगला वे है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस द प्लास्टिक साइंटिफिकली। यानी साइंटिफिकली वे से ही हम लोग प्लास्टिक्स का क्या कर दे, जो उसका कंजप्शन है या जो उसका प्रोडक्शन है, उसको ही हम लोग क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। यानी जब उसका प्रोडक्शन नहीं होगा मार्केट में, वाय करें तो आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके होने वाले प्लास्टिक से होने वाले प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद से जो हमारा अगला मेथड है उसमें आप क्या कर सकते हैं, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन वाटर बॉडीज और इन द ओपन। अब ओपन में कहाँ पे आप नहीं फेंक सकते, तो एयर में नहीं आप फेंक सकते हैं, वाटर में नहीं फेंक सकते हैं, इसी तरीके से सॉइल में भी नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप ओपन में, यानी पानी में, हवा में, या फिर कहीं पे भी इस तरीके से आपको प्लास्टिक के बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए, जिससे वो कहीं पे भी जाके पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। और क्या कर सकते हैं, तो हम लोग और ये कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग प्लास्टिक के जो मटेरियल है या प्लास्टिक से होने वाले जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग फॉलो करके कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर आर फार्मूला। अब ये फोर आर फार्मूला क्या कहता है, ये फोर आर फार्मूला क्या, बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इन फोर आर्स को फॉलो करना है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक के पॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, इस हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो कौन कौन सा है, सबसे पहला हमारा जो आर है वो क्या कहता है, रिड्यूस, यानी क्या करना है, कम करना, ठीक। फिर जो दोबारा दूसरा हमारा जो आर है वो क्या करता है, रिसाइकल, यानी दोबारा यूज़ करना। जो तीसरा आर है वो हमारा ये कहता है, रीयूज़, यानी उसको फिर से यूज़ कर लेना। और चौथा क्या करता है, रिकवर, यानी जो भी उससे डैमेज होता है उसको हम लोग क्या करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। तो ये फोर आर फार्मूला जिससे हम लोग प्लास्टिक से होने वाले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को या इन्वायरमेंटल डैमेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा रिड्यूस, यानी प्लास्टिक के यूज़ को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, यानी उसका प्रोडक्शन कम कर दिया जाए, या फिर उसको यूज़ करना हम लोग बंद कर दें। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल डैमेज या जो प्रॉब्लम्स है उसको कम कर सकते हैं। फिर था हमारा रिसाइकल, यानी अगेन बार बार हम उसी प्लास्टिक के मटेरियल को रिसाइकल कर लें। आपने पढ़ा होगा कि जो थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, अगेन रीमोल्ड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप साइज में चेंज कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करें, रिसाइकल करें। मतलब जो आपके जो वाटर बॉटल्स होते हैं, जो प्लास्टिक के जो कैंस होते हैं, और भी बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, उसको जब आप यूज़ कर चुके होते हैं, जब वो डैमेज हो जाता है, तो उसको वापस से क्या कर दें, रिसाइकल करके यूज़ कर ले। फिर था हमारा रीयूज़, कई बार क्या होता है, हम लोग प्लास्टिक के बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया, अब उसको आप एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ रख सकते हैं। तो रीयूज़ करने का मतलब कि आप प्लास्टिक के मटेरियल को बार बार रीयूज़ करिए, मतलब एक बार उसमें कुछ आपने वर्क कर लिया तो उसके बाद से उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिए, रीयूज़ हो गया। उसके बाद रिकवर, यानी प्लास्टिक से जो भी डैमेज होता है या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उसको रिकवर करना चाहिए। मीन्स एक बार जैसे भी आपने प्लास्टिक यूज़ कर लिया, फिर आपको क्या करना चाहिए, उससे होने वाले डैमेज को रिकवर करना है, या प्लास्टिक से जो भी आपने यूज़ किया उसको रिकवर करिए, जब उसकी जगह पे आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे मेथड से जिससे हम लोग प्लास्टिक के होने वाले क्या जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है या पॉल्यूशन है उससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो जो भी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें दी थी मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।